BGMI के नए अपडेट में अगर अल्ट्रा HD पे गेम खेलेंगे तो FPS कितने मिलेंगे, GPU टेम्परेचर कितना जाएगा, CPU परसेंटेज कितनी यूज होगी, या फिर HDR, HD बैलेंस, स्मूथ, इन सब पे कितने फ्रेम रेट्स मिलेंगे, स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस और अल्ट्रा एक्सट्रीम में कितना डिफरेंस रहेगा। तो इसी तरह के BGMI के कुछ नए अपडेट्स डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। क्या हाल है, कैसे हो आप? एक और जबरदस्त वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम पिछले कुछ वीडियोस में बात कर रहे थे, BGMI वाले अपने इस नए अपडेट 3.2 में कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये देखो मेरे सामने ये जो स्टील आर्क स्पेसशिप है, इसके सेंटर में हम एक नया रोबोट समन कर सकते हैं। तो आर्मा मैक कुछ इस तरह से समन हो जाता है यहाँ पर, इसलिए अब हम इसे उड़ाने वाले हैं। तो अब ये रोबोट एक बार हम गेम के अंदर आसमान में भी उड़ा सकते हैं, इसको लेकर बहुत ऊंचा उड़ सकता है हमारा बंदा। तो जैसा अभी हमने देखा कि यहाँ पे एक्टिवेट करने के बाद 60 सेकंड के अंदर ये रोबोट यहाँ पर आ जाता है, और आर्मा मैक एक बार यहाँ पर आ जाता है तो उसके बाद हम इसे ओपन कर सकते हैं, और जैसे ही ओपन करते हैं तो इस टेक ऑफ पैड से ये टेक ऑफ कर जाएगा। वैसे लॉन्च पैड भी कह सकते हैं, जैसे रॉकेट लॉन्च होते हैं वैसे यहाँ पे आर्मा मैक रोबोट लॉन्च हो रहा है। अब नीचे से पानी छोड़ रहा है या गैस ये तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये आसमान में आ चुका है। तो देखो जरा एक बार इसे गाइस, कितना जबरदस्त लग रहा है ये वाला एनिमेशन। कुछ इस तरह से हम रोबोट को लेकर इरेंगल मैप के ऊपर उड़ सकते हैं और कुछ दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। अब इससे पहले कि हम ये चेकआउट करें कि अल्ट्रा HD के अंदर मैक्सिमम फ्रेम रेट कितना मिल सकता है, और 120 FPS के लिए हम स्मूथ के अंदर खेल सकते हैं या बैलेंस के साथ कितना मिल पाएगा, ये सारी चीजें चेकआउट करें। आ जाओ फटाक से पहले ये देख लेते हैं कि इस नए अपडेट के अंदर क्या क्या चीजें इन्होंने डाली है जो कि पिछले वाले में नहीं थी, क्योंकि एक ये तो बिल्कुल ही खतरनाक फीचर डाल दिया इन्होंने, और इस रोबोट का लैंडिंग एनिमेशन भी बहुत जबरदस्त है। देख रहे हो कैसे घुटना टेक के बिल्कुल लैंड करता है जमीन के ऊपर। ऑल्सो BGMI वाले 3.2 अपडेट में इस रोबोट को भी नचाने वाले हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी वाले अपडेट में चटाई नाचती है, ये रोबोट नाचने वाला है नए अपडेट में। और यहाँ स्पॉन आइलैंड पर भी एक बॉट दिख रहा है जिसका नाम लीड डांस रोबोट है, जो कि सबको यहाँ लीड कर रहा है डांस करवाने में। तो स्पॉन आइलैंड पे इस लीड डांस रोबोट के साथ पहले मैंने अकेले कैरेक्टर का डांस करवाया तो वो तो हो ही गया, लेकिन इसके बाद मैंने 3-4 कैरेक्टर्स का डांस करवाया तो यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ भी नाच सकता है लीड डांस रोबोट। ये देखो यार, 3 बंदे इसके साथ एक साथ हवा में उड़ रहे हैं और यहाँ पे कुछ इस तरह से नाच सकते हैं, और वीडियो का ऑप्शन भी है जहाँ पर एक सिनेमैटिक इफेक्ट दिखता है। तो नए अपडेट में एक नई हरे रंग की रिकॉल फ्लेयर गन तो आ गई, पर इससे रिकॉल कितनी बार हो सकता है ये तो हमने देखा ही नहीं। तो आ जाओ जल्दी चेकआउट करें कितनी बार रिकॉल कर सकते हैं हम इससे बंदों को। ओके, तो एक बार तो ऑटो रिकॉल हो गया, अगर यहाँ इवेंट पे जंप करेंगे तो एक ऑटो रिकॉल का कार्ड मिल जाता है हमें, तो जिससे यहाँ पर ऑटो रिकॉल तो चल रहा है एक बार। पर फिर जब दूसरी बार मेरा बंदा मरा और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ग्रीन रिकॉल फ्लेयर गन यूज करी तो कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब दूसरा रिकॉल है ही नहीं इस मोड में, एक ही रिकॉल है, उसे ग्रीन फ्लेयर गन से ले लो या फिर ऑटो रिकॉल ले लो, दूसरा रिकॉल मिल ही नहीं रहा यहाँ पे अभी तक। अब किसी नए अपडेट में ऐड कर दें तो करते हैं, अभी तक तो भाई एक ही रिकॉल है बस इस नए मोड में। सो यहाँ मैं BGMI 3.2 अपडेट अल्ट्रा HD पर खेल रहा हूँ तो मुझे 40 FPS मिल रहे स्नैपड्रैगन 8 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर में, और जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर 60% तक CPU यूज हो जा रहा है और 50-55 डिग्री सेल्सियस रह रहा है GPU का टेम्परेचर। लेकिन अपडेट 3.2 में क्योंकि 120 FPS सपोर्ट आ चुका है, इसलिए अब हम अल्ट्रा HDR के साथ साथ HDR, HD बैलेंस और स्मूथ में भी देखने वाले कि हमें किस तरह का परफॉर्मेंस मिलता है। तो BGMI 3.2 अपडेट में HDR क्वालिटी पर मैंने जैसे ही स्विच किया, यहाँ पर CPU कंजम्पशन 60-65% चला गया, FPS 60 मिलने लगे और GPU टेम्परेचर 55 के आसपास ही रहा। और इसीलिए अब HDR एक्सट्रीम पर टेस्ट करने के बाद बारी थी HD एक्सट्रीम टेस्ट करने की, कि इससे क्या चेंजेस होते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो स्नैपड्रैगन 8 थर्ड जेन में यहाँ कोई भी ज्यादा डिफरेंस मुझे लग नहीं रहा है, HDR और HD में लगभग सेम ही आ रहा है यहाँ पर परफॉर्मेंस, बस गेम की क्वालिटी थोड़ी लो हो चुकी है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो मैक्सिमम 65% तक तो जा रहा है CPU का यूसेज, GPU का टेम्परेचर 1% बढ़ा होगा ज्यादा, और FPS अभी भी 60 मिल रहे हैं। तो अब बारी है BGMI 3.2 अपडेट को बैलेंस एक्सट्रीम में टेस्ट करने की, कि यहाँ क्या परफॉर्मेंस रहती है। तो यहाँ पे CPU यूसेज मैक्सिमम 65% से ऊपर नहीं जा रही है, GPU टेम्परेचर भी वही 55-56 के आसपास ही रह रहा है मैक्सिमम, और FPS यहाँ पर भी 60 मिल रहे हैं। तो आ जाओ फिर अब स्मूथ पे परफॉर्मेंस चेक करते हैं, पहले एक्सट्रीम प्लस चेक करेंगे जो कि 90 FPS है, और उसके बाद अल्ट्रा एक्सट्रीम भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे CPU परफॉर्मेंस दिख रही है हमें, 70% तक CPU यूज हो जा रहा है, और फिर उसके बाद GPU टेम्परेचर चेक करें तो 60 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है GPU टेम्परेचर, और FPS यहाँ 90 मिल पा रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे नॉर्मली तो 120 FPS तक मिल सकते हैं, पर मैं यहाँ इवेंट वाले मोड में आया हूँ, और वो भी उस जगह आया हूँ जहाँ पर ये नए नए ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, यहाँ देखते हैं क्या परफॉर्मेंस मिलता है। तो मेरे भाई BGMI 3.2 के बेटा वर्जन को टेस्ट करने के बाद, जो कि अभी फाइनल वर्जन नहीं है, इसके ऊपर अभी बहुत काम होना बाकी है, यहीं पर मुझे आराम से 120 तक FPS पहुंचते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ CPU
यूसेज तो 80% तक चली जा रही है, पर जीपीयू टेम्परेचर अब भी यहाँ पर 62-63 के आसपास ही रह रहा है, जो कि अच्छा है, ज्यादा नहीं है। और अगर फ्रेम रेट एक्सपीरियंस किए जाए तो मैं आपको इस वीडियो में एक्सपीरियंस तो नहीं करवा सकता, क्योंकि यूट्यूब तो 60fps पे लॉक्ड है, वैसी तो आप ये वीडियो 60fps में ही देख रहे हो, पर 120Hz की स्क्रीन पर खेलने में एंड्रॉइड फोन के अंदर, वो भी ये तो iOS भी नहीं है, एंड्रॉइड ही है। यकीन मानो मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि एक बैटल रॉयल गेम के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो भी मोबाइल में, समझ रहे हो। लेकिन BGMI वालों की एक बात की दाद देनी पड़ेगी कि इससे भी बड़ी अचीवमेंट ये है कि यहाँ पर GPU टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं जा रहा है, वरना मैं ऐसे दूसरे गेम्स खेल चुका हूँ जहाँ पर टेम्परेचर इतना हाई चला जाता है कि मोबाइल पे ऑमलेट फ्राई करने की नौबत आ जाती है, समझ रहे हो। लेकिन इतना ही नहीं है, अभी एक और कमाल की बात बताता हूँ। मैंने कोई भी कूलिंग फैन, किसी भी तरह कुछ भी कूलिंग सिस्टम नहीं यूज कर रखा, फैन भी ऑफ है, एसी भी ऑफ है, तब भी टेम्परेचर 63 से ऊपर नहीं जा रहा। लेकिन 120fps पे अगर आप कुछ ड्राइव कर रहे हो तो आपको 120fps नहीं मिलेंगे, तब आपको 100, 110, 113, 14 इतने ही मिलेंगे, तब 120 नहीं पहुंच रहा है ये ड्राइविंग के वक्त। लेकिन अभी BGMI का नेक्स्ट अपडेट भी बहुत जल्द आने वाला है, तो इसके ऊपर भी हम जरूर बात करने वाले। तो BGMI न्यू अपडेट में मैप पे भी बहुत ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं, पहले सिर्फ एक या दो असेंबली एरिया थे, अब तो पूरे मैप पे हर जगह असेंबली एरिया दिए हुए हैं, मतलब जहां से मर्जी जाके अपने रोबोट को रिपेयर करो, रिफ्यूल करो, मिसाइल भरवाओ, क्योंकि इन असेंबली एरिया में जो रिपेयर स्टेशन होते हैं यहाँ पे रिफ्यूल करवा सकते हो, अपने रोबोट को रिपेयर करवा सकते हो अगर डैमेज हो जाए तो। पर मान लो रॉकेट्स का एमओ खत्म हो जाए तो क्या, ये एमओ भी यहाँ रिपेयर स्टेशन से रिफिल हो जाता है, समझ रहे हो। बार बार आओ, एमओ लेते रहो और ये रॉकेट चलाते रहो। सो न्यू सुपर कार्स कोलैबोरेशन, जैसे हर बार नई गाड़ियों का कोलैबोरेशन आता, इस बार चांसेस है कि कोई भी नई सुपर कार नहीं आ रही है, बल्कि गेम वाले अपनी कोई अलग से स्पेशल सुपर कार देने वाले हैं। मतलब जैसे अभी बेंटले आई थी, उससे पहले एस्टन मार्टिन आई थी, और बहुत सारी अलग अलग तरह की ब्रांड्स आ चुकी हैं गाड़ियों की, पर इस बार कोई ऐसी गाड़ी आने वाली है जो कि किसी ब्रांड की नहीं है, बल्कि 3.2 अपडेट का कॉन्सेप्ट शायद ऐसा हो सकता है कि सिर्फ गेम के अंदर ही वो गाड़ियां दिखेंगी, वो गाड़ियां रियल में नहीं होती, और उनको तुम इंजन वगैरह से अपग्रेड कर सकते हो जिनसे उनकी परफॉर्मेंस अपग्रेड होगी, या फिर यूं कह लो कि फीचर्स अपग्रेड होते हैं। पर फाइनल अपडेट के बारे में भी हम बहुत जल्द बात करने वाले हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल।